कोरोना कार्यकाल में शहर के राधाकृष्ण अस्पताल में कोरोना मरीजों की अच्छी सेवाएं और उनका इलाज किया गया था। इस बात को देखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले इन्होंने राधाकृष्ण हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट की सराहना करते हुए डॉक्टर्स की टीम का सम्मान किया। इस मौके पर शहर के तमाम महानुभाव मौजूद थे। अब तक इस देश ने कई महामारी का सामना किया है, लेकिन कोरोना महामारी कुछ ज्यादा ही असरदार रही है, जिसके चलते हजारों लोगों की मौतें भी हुई है। तीसरी लहर अभी बाकी है। कोरोना संक्रमण के चलते शहरी और ग्रामीण इलाकों में इलाज करते समय काफी अड़ंगियां आई थी। शहर के हर एक अस्पताल में कोरोना पीड़ितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शहर के अधिकांश अस्पताल में वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर और भी उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते मौतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया था। लेकिन शहर का एक ऐसा अस्पताल था जहां की डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसके चलते कई मरीज कोरोना के मुंह से सही सलामत बाहर आए हुए थे। जी हां, उसका नाम है नागपुर का राधा कृष्ण अस्पताल। कोरोना कार्यकाल में राधा कृष्ण अस्पताल की ओर से अच्छा कामकाज किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले स्वयं जाकर अस्पताल प्रबंधक के कामों की सराहना की एवं उनका शुक्रिया अदा किया। चैरिटेबल ट्रस्ट होने के वजह से ये संस्था ने जिस तरह से इस कोविड महामारी में लोगों की सेवा की और लोगों की लूट नहीं की, क्योंकि कई हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट रहने के बाद भी लोगों की लूट करते हैं, उनको त्रास भी देते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण इस हॉस्पिटल ने, विशेष करके गोविंद पोद्दार जी है, महेश हमारे अग्रवाल जी है और उनके सभी साथियों ने जिस तरह से कोविड के पेशेंट की जो सेवा की, उनको बचाया, ये सबसे बड़ी बात उनके माध्यम से हमारे सामने आई और मैं इसलिए उनका कोविड योद्धा करके उनको अभिनंदन करने यहाँ पर आया हूँ। नागपुर शहर के हर अस्पताल के प्रबंधक तथा डॉक्टर की टीम अच्छा काम कर रहे हैं, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ संजय बिरे की रिपोर्ट।